नॉर्मल से हटे अब गैजेट यूनिक, एक नहीं तीन टॉप थ्री पर बिग बुल बुल शॉपिंग ऐप पर मिलेंगे सब। शुरू करें सबसे पहले आता फोन, ये गजब MTR फरारी डिजाइन फीचर फोन, अंदर से मोबाइल बाहर कार का ये जोन, डुअल सिम ब्लूटूथ कैमरा SD कार्ड, आगे बात करें बाकी फीचर के रिगार्ड। दूसरे स्थान पे आती है रिंग लाइट, फ्रंट में अटैच करे सेल्फी को ब्राइट, वीडियो शूट या पिक करे दोनों काम, देखेंगे आगे की देती कैसा ये अंजाम। नेक्स्ट ऑन द लिस्ट USB में ट्विस्ट, केबल करे ग्लो साथ मैग्नेट फिक्स, तीनों चार्ज ऑप्शन काफी इजी टू यूज। अब करे पूरी बात सुनो मेरे रिव्यूज। हे दोस्तों, कैसे आप सब, मैं हूं स्पर्श, ये है टेक्नो रैपर का क्लब। तो गाइस आज हमारे पास है ये तीन कूल एंड यूनिक गैजेट्स जो कि मुझे मिले बुलबुल शॉपिंग ऐप पर। एंड इन्हीं यूनिक गैजेट्स का जो है आपने देखा यूनिक फर्स्ट लुक रैप के साथ में टेक्नो रैपर के स्टाइल में। अब बात करते हैं डिटेल में, बताता हूँ आपको बाकी क्या क्या फीचर्स इनमें आपको मिल जाते हैं, कैसे क्या ये काम करते हैं, प्राइस के बारे में बात करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इनका फुल रिव्यू। सो गाइस सबसे पहले आता है MTR का ये फरारी डिजाइन वाला फोन। उसको फर्स्ट लुक में देखकर कोई नहीं बोल सकता कि ये एक फीचर फोन है, एकदम टॉय कार जैसा ये लगता है। एंड डिजाइन में आपको शाइन भी देखने मिलती है, तो खिलौना भी प्रीमियम क्वालिटी का लगता है, बिल्ड क्वालिटी भी इसकी काफी बढ़िया है। किसी बच्चे को आप दे दो आराम से इससे मजे लेकर खेल लेगा। देन जैसे आप इसका फ्लैप ओपन करते हैं यहाँ पर आ जाता है आपका फोन, जहाँ पर आपको 1.7 इंच की डिस्प्ले देखने मिल जाती है एंड नीचे सारे बटन्स दिए गए हैं। इंटरफेस पे अगर ध्यान दें तो यहाँ पर भी आपको जो कार वाले एनिमेशन देखने मिल जाते हैं एंड एक साथ में एक्सेलरेशन वाला साउंड भी दिया गया है। तो इंटरफेस भी जो है बिल्कुल डिजाइन के अकॉर्डिंग इसमें आपको मिल जाता है। फीचर्स की बात करें तो काफी बढ़िया तरीके से ये फीचर पैक्ड है। डुअल सिम स्लॉट यहाँ पे मिल जाते हैं जिसमें 2G तक ही सपोर्टेड है, तो जियो सिम यहाँ पे वर्क नहीं करेगी। SD कार्ड स्लॉट दिया गया है, 32GB तक SD कार्ड आप इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। देन यहाँ पे आपको 0.8 मेगापिक्सल का रियर कैमरा मिल जाता है, जो अगेन बिल्कुल डिजाइन के अकॉर्डिंग प्लेस किया गया है। 0.8 मेगापिक्सल एक तरीके से फॉर्मेलिटी हो गया, कुछ खास क्वालिटी आप इससे कैप्चर नहीं कर सकते, बट VGA कैमरा होने के बाद भी यहाँ पर आपको इफेक्ट्स देखने मिल जाते हैं एंड इससे आप वीडियो रिकॉर्ड करके वीडियो प्ले भी इसमें कर सकते हैं, वीडियो प्लेयर का भी यहाँ पर सपोर्ट है। तो प्राइस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये चीज काफी इंप्रेसिव है। MP3 प्लेयर यहाँ पर आपको मिल जाता है, FM भी सपोर्टेड है एंड साथ ही में ब्लूटूथ 2.0 मिल जाता है, तो आप इससे जो ईयरफोन है स्पीकर कनेक्ट करके म्यूजिक भी इससे एंजॉय कर सकते हैं। फिर आपको एक चीज और बता दूं, यहाँ पर आपको कॉल रिकॉर्डिंग का भी सपोर्ट मिल जाता है जो कि फीचर फोन में काफी कम देखने को मिलता है। तो कॉल्स के दौरान आप इसे ऑटोमेटिक कॉल्स भी रिकॉर्ड कर सकते हैं एंड ये चीज काफी हेल्पफुल रहती है एंड फीचर फोन्स में काफी कम देखने को मिलती है। फिर इसमें गेम्स का सेक्शन भी दिया गया है जहां पे सिर्फ एक गेम है एंड आप आराम से गेस कर सकते हैं कौन सा वो गेम होगा, जो कि ऑलमोस्ट हमें हर फीचर फोन में देखने मिल जाता है, वो स्नेक वाला गेम। तो आप इस गेम का ही मजा ले सकते हैं। एंड एक चीज आपको और बता दूं, इसके जो पीछे वाले दोनों टायर्स हैं ये बटन्स हैं एंड इससे आप जो है वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हैं, इधर वाले से प्लस होगी इधर वाले से माइनस। एंड जब आपका फोन बंद रहेगा तो ये जो बटन्स हैं, ये जो ब्लैक वाला पार्ट देख रहे हैं आप, देख रहे हैं अभी यहाँ पे LED चल रही है, तो अगर आपका फोन बंद है आपको टाइम देखना है तो आप इन बटन्स को दबा दीजिए किसी भी एक को एंड यहाँ पे आपका टाइम डिस्प्ले हो जाएगा। बैटरी की बात करें तो यहाँ पे आपको 1100 mAh की बैटरी मिल जाती है जो कि एक फीचर फोन के हिसाब से सही है। 2 से 2.5 दिन आपका ये फोन चल जाएगा फुल चार्जिंग के बाद में एंड ऑलमोस्ट 2 घंटे में जो फुल चार्ज हो जाता है। सो ये थे इसके फीचर्स। अब क्वेश्चन आता है कि इसकी प्राइस क्या है। सो ये आपको मिल जाता है मात्र 1400 रुपए में 6 महीने के ब्रांड वारंटी के साथ में। एंड यार इस प्राइस के हिसाब से ये काफी बढ़िया चीज है। ऑब्वियसली आप इसे डेली यूज में तो प्रेफर नहीं करेंगे, स्मार्टफोन का टाइम में फीचर फोन्स काफी कम लोग यूज करते हैं, बट अगर आप यूनिक गैजेट्स कलेक्ट करना पसंद करते हैं तो ये काफी बढ़िया ऑप्शन है, जरूर आप इसे ले सकते हैं। एंड गिफ्ट करने के हिसाब से भी काफी मस्त आइटम है, गिफ्टिंग के तौर पर भी इसे यूज करा जा सकता है। सो अगर आपको परचेस करना है, डिस्क्रिप्शन में आपको बेस्ट बाय लिंक मिल जाएगी, डायरेक्टली वहीं से आके आप इसे परचेस कर सकते हैं। सो सेकंड नंबर पे आती है ये सेल्फी रिंग लाइट, जो कि बड़ी वाली रिंग लाइट का एक पोर्टेबल एंड मिनिएचर वर्जन है, बट जो पर्पस रहता है उसको अच्छी तरीके से सर्व करती है। आपका जो स्मार्टफोन रहेगा उस पर कुछ इस तरीके से अटैच हो जाएगी, फ्रंट फेसिंग रहती है एंड अगर आप सेल्फीज ले रहे हैं, फ्रंट कैमरा से वीडियो शूट कर रहे हैं तो काफी हेल्पफुल रहती है, स्पेशली लो लाइट में काफी बढ़िया ये काम करती है। आपकी स्क्रीन पर आप रिजल्ट्स देख सकते हैं कि बिना रिंग लाइट के कितना फर्क आपको दोनों इमेजेस में देखने को मिल जाता है। ब्राइटनेस यहाँ पे 3 लेवल की दी गई है जिसको आप पीछे दिए गए इस बटन से एडजस्ट कर सकते हैं। 250 mAh की बैटरी है, रिचार्जेबल है, माइक्रो USB पोर्ट है, यहाँ पे माइक्रो USB केबल से आप इसे चार्ज कर सकते हैं। एंड जो बैटरी बैकअप रहेगा वो ब्राइटनेस लेवल पर डिपेंड करता है, आप कितने लेवल पे इसे यूज करते हैं, 2 से 5 घंटे तक का जो है बैटरी बैकअप इसमें आपको मिल जाता है। सो यार ये चीज जो है सबसे ज्यादा कंटेंट क्रिएटर्स के काम की है, अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो एंड रिंग लाइट अफोर्ड नहीं कर सकते सो जरूर आप इसकी तरफ जा सकते हैं, मात्र 200 रुपए में आपको मिल जाती है। सो यस काफी काम की चीज है, अगर आपको परचेस करना है डिस्क्रिप्शन में आपको बेस्ट बाय लिंक मिल जाएगी, डायरेक्टली वहीं से आके आप इसे परचेस कर सकते हैं। सो गाइस थर्ड नंबर पे आती है ये LED फ्लोइंग चार्जिंग केबल विद मैग्नेटिक एंड,
जो कि यार नो डाउट लुक्स में तो कमाल है ही, साथ ही में काफी काम की चीज भी है, क्योंकि एक तो इसमें आपको तीनों केबल ऑप्शंस मिल जाते हैं, माइक्रो यूएसबी, टाइप सी एंड लाइटनिंग, जिसको अपने डिवाइस के अकॉर्डिंग अटैच करके यूज कर सकते हैं। एक खासियत इसकी ये है कि इसमें जो एलईडी का फ्लो रहता है वो डिपेंड करता है आपके डिवाइस की बैटरी पे, मतलब अगर आपके डिवाइस में कम बैटरी है एंड देन आप इससे उसे चार्ज करते हैं तो इसके एलईडी का फ्लो काफी तेज रहेगा। जैसे जैसे आपके डिवाइस में बैटरी बढ़ती जाएगी फ्लो धीरे होता जाएगा, एंड जैसे आपका डिवाइस फुल चार्ज हो जाता है तो एलईडी ग्लो करना बंद कर देगी। तो ये चीज काफी काम की रहती है, अगर आपका डिवाइस आपसे दूर चार्ज हो रहा है तो आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि फुल चार्ज हो गया है, कितनी क्या बैटरी उसमें रहती है। 2 एम्पीयर का आउटपुट यहाँ पे मिल जाता है, जिससे फास्ट चार्जिंग तो नहीं मिलेगी आपको, डिसेंट चार्जिंग स्पीड आपको मिल जाएगी। बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो इसमें मुझे कोई इश्यूज नहीं लगे, बिल्ड क्वालिटी काफी बढ़िया है, एंड प्राइस इसकी है 500 रुपीज। यार देखा जाए तो एक चार्जिंग स्पीड के हिसाब से जो प्राइस है ज्यादा है, बट देन जो फीचर्स के आपको मिल जाते हैं, जो मैग्नेटिक एंड है, तीनों केबल ऑप्शंस हैं, जो उसकी फ्लो वाली चीज है कि आप डिवाइस की बैटरी यूज कर सकते हैं, उसको कंसिडर किया जाए तो प्राइस इसकी बिल्कुल सही है एंड ये एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। सो गाइस ये थे हमारे इस बार के टॉप 3 कूल एंड यूनिक गैजेट्स। इनको परचेज करने की जो बेस्ट बाय लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डायरेक्टली वहीं से आके आप इन्हें परचेज कर सकते हैं। ऑल्सो इस चैनल पे ये हमारा पहला यूनिक गैजेट लिस्टिंग वाला वीडियो था, एंड आपको मैं बताना चाहूंगा कि आगे भी अब जो है इसी टाइप के यूनिक प्रोडक्ट के वीडियोस यूनिक वे में आपके लाता रहूंगा। सो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना, अगर पसंद आया हो तो यार वीडियो को लाइक कर देना, एंड अगर आप चैनल पे नए हो एंड आगे भी आप इसी तरीके के यूनिक कंटेंट देखना चाहते हो तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल। दैट्स इट, गुड बाय, सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो।